सो फाइनली गाइज हम आ चुके अपने सेकंड व्लॉग के अंदर। फर्स्ट व्लॉग को आपने इतना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फिलहाल हम जा रहे हैं एक ऐसी अनहोनी जगह पे, मतलब जो प्रसिद्ध भी है और प्रसिद्ध नहीं भी है, कुख्यात भी है। बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सस्पेंस रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं। ना मुझे पता है, सॉरी मुझे पता है, दोस्तों को नहीं पता, जो साथ जा रहे हैं उनको नहीं पता। तो ऐसी जगह ही हम जा रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे रास्ते का कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधा वही मिलते हैं। ओनली ये 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वहीं मिलते हैं सीधा। ओके गाइस, सो फाइनली हम आ चुके हैं मिड पॉइंट पे, जहाँ पे हम आपको अभी बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। मिड पॉइंट देख के कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी खेतड़ीगढ़ के अंदर, जो खेतड़ी के अंदर है, और अरावली पर्वतमाला के न्यूनतम पहाड़िया जो है उनके बीच ये बसा है। उनकी खूबसूरती का अंदाजा आप खुद लगा सकेंगे आगे, मतलब जो भी आप वीडियो देखेंगे। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ इधर का सीन, इस साइड का सीन, जो भी आप भी देखेंगे तो मतलब आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। सेकंड सस्पेंस जो आपका था वो ये था कि मेरे साथ कौन कौन आया है, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ ऑन कैमरा। मेरे साथ फर्स्ट जो बंदा आया है वो आया है दिनेश, एंड सेकंड जो बंदा जो अपने साथ पहले व्लॉग में भी था वो है विक्की, एंड थर्ड जो पर्सन है वो है मेरे खुद का नाम राशि अरविंद, मतलब सेकेंड अरविंद। और पांचवा जो बंदा है, और जो पांचवा जो बंदा है वो आपको पता ही है, हमेशा बैक पे होता है, मतलब कैमरे के पीछे होता है, हिडन होता है, जो हमको दिखता नहीं है। ललित आया है पांचवा बंदा। तो हम अभी यहाँ आ चुके हैं, अभी चलते हैं मेन पॉइंट पे और वहाँ आगे देखते हैं क्या क्या सीन है, क्या मजा आने वाला है। तो यहाँ नहीं रुकेंगे फिलहाल, वहीं चलते हैं। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं खेतड़ी महल के आगे। यहाँ आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा खेतड़ी महल, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इसका निर्माण कैसे करवाया वो पूछ लीजिए। देखिए गाइज, इसका जो निर्माण है वो राजा भोपाल सिंह ने 1770 ईस्वी में करवाया था। और अगर मैं आपको इसका दूसरे नाम की अगर मैं बारे में बात करूँ, तो इसको इंडिया का मिनी मैप ही बोलते हैं। अगर आप उसका ऊपर से अगर आप नज़ारा देखते हो तो आपको वो एक जबरदस्त तरीके से इंडिया का जो मैप है वो दिखेगा आपको। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके अंदर ना ही तो डोर है और ना ही विंडो है, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। और आज हम सही मौके पे आए हैं, हवाएं देख रहे हैं आप, आपको आवाज के अंदर भी ये हवाओं का जो भी बैकग्राउंड वॉइस है वो भी सुनने को मिल जाएगा। मतलब तो इसको हवा महल कहते हैं, खेतड़ी का हवा महल है ये, वैसे ऑल ओवर राजस्थान का भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 1770 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, और 1799 ईस्वी में जयपुर के अंदर राणा प्रताप सिंह ऐसे कुछ करके राजा हुए हैं, तो उन्होंने 1799 में उसका निर्माण करवाया। तो मतलब फर्स्ट हवा महल ये है अपना, RJ18 वालों का। ये मोहनदास जी का है, ये अभी 3:30 बजे खुलेगा, इससे पहले खुलेगा नहीं। ये मंदिर आजकल क्या महाराज थे ना, अभी मतलब इसका निर्माण होगा। यहाँ अंकल जी मिले हैं, वो बता रहे हैं कि खेतड़ी महल अभी ओपन नहीं है, इसका काम अभी चल रहा है। तो ये अंकल जी मिले हैं हमको, इनकी यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका निर्माण अभी चल रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत होगा ये नज़ारा। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत होगा क्योंकि करोड़ों की खपत से काम भी नहीं चलेगा यहाँ पे। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, राजस्थान का अगर ये बन गया ना ये जो किला, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सही में ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा देखने का कि काफ़ी दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पे, जो खेतड़ी के अंदर है, राजस्थान के अंदर ये पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया था कि झुंझुनू से हम हैं, और ये जो गार्ड अंकल जी हैं ये हमको बता रहे हैं
बारिश आ रही है तो छाता भी इन्होंने लगा लिया है। ये व्यू है। सो गाइज फाइनली बारिश आ चुकी है एंड अंकल जी से बात कर रहा है दिनेश कि क्या हम अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अभी दिनेश आया है बात करके, इनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या बताया, क्या कुछ हो सकता है सोल्यूशन। अदरवाइज हम तो करेंगे सोल्यूशन, झुंझुनू वाले है ना, बैक साइड से घूमने का और बैक साइड से घुसने का सोल्यूशन तो हम निकाल ही लेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी दिनेश से पूछ लेते, दिनेश क्या हुआ अभी? अभी अंकल जी से बात हुई है तो उन्होंने अकॉर्डिंगली से ये चीज बताई है कि भाई इसके अंदर जाने की तो परमिशन है नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसके अंदर जाने की अगर कोशिश करता भी है तो उसके लिए इन्होंने पनिशमेंट वगैरह यानी कि जो पेनल्टी वगैरह बता रखी है वो लगाएंगे कि इस चीज के लिए अगर आपने की, मना करने के बावजूद भी अगर आपने वो चीज की है तो उसके बाद पेनल्टी लगेगी। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं भोपालगढ़ के इस किले को जो कि जाना जाता है खेतड़ी नगर के नाम से या फिर खेतड़ी का गढ़ के नाम से, खेतड़ी के किले के नाम से। तो और भी जो आपने गार्ड के थ्रू आपने जो बात सुनी थी कि ये किला दोबारा से निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि इसके गवर्नमेंट के अंडर में ये आ चुका है, 2 से 3 साल के अंदर इसका पूरे किले का निर्माण है वो सही से कर दिया जाएगा। मतलब ऑलरेडी निर्माण तो हो चुका है लेकिन जो हम मरम्मत करते हैं वो इसका काम चालू हो चुका है अभी, रानी के महल का भी और इसका भी। तो फिर ये किला कैसा लगेगा आपका, ये मैं कमेंट चाहता हूँ। मतलब ये आप क्योरी मान लीजिए मेरी कि ये किला अगर विदाउट किसी मरम्मत के, मतलब उस राजा ने जो बनवाया था, राजा के द्वारा बना के ये ऐसा लग सकता है, तो इसको गवर्नमेंट अभी बना के कैसा लगवा सकती है, कितना खतरनाक विजिटिंग प्लेस हो सकता है ये, आप रैंकिंग दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आउट ऑफ 10 इसको आप कितनी रैंकिंग देंगे इस किले को एंड इसके इस शानदार व्यू रचना को एंड इसके शानदार इन पहाड़ियों को, इन अरावली पर्वतमाला के बीच बसा है ये और उस राजा को भी, कितनी रेटिंग देंगे आप आउट ऑफ 10 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई बारिश का सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, अदरवाइज ये किला जितना घूमने लायक है ना उतना कोई नहीं है। एक बार आगे से जाके मैं जूम इन करके दिखाऊंगा आपको वो किला यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, तो रानी राजा को यहाँ से निहारती थी सारी मजे के लिए थी। बाकी यहाँ से रानी महल से राजा का महल काफी अच्छा दिख रहा है। इसका जो काम मैंने आपको बताया था वो बताया था कि वर्क इन प्रोग्रेस, तो देख लीजिए आप, ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है, यहाँ से चल रहा है काम रानी महल का और जल्द ही बन के तैयार भी हो जाएगा। आगे रास्ता बंद है, कार्य प्रगति पर है, रानी फिलहाल है नहीं, रास्ता है बंद। रानी का महल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड जूम आउट एंड जूम इन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। रानी का महल अंदर से बंद है, ऊपर से भी देखने के लिए बड़ा ही जबरदस्त प्रोटेक्टर लगाया हुआ है जिसको मैं अभी पकड़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ जो रानी का महल, इसके ऊपर हम यहाँ आए हैं, व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए एक बार जरा। देखिए गाइस यहाँ से कितना प्यारा लगता है खेतड़ी शहर, हाँ, लाजवाब नजारे, ऐसा है किसी महल का नजारा मेरे हिसाब से नहीं है, नहीं है ना।
इधर का भी शूट कर लेते हैं, हम दिखाई देते हैं आपको भी, इतनी आए हैं तो। ये देखिए काफी बेहतरीन व्यू है, ये राजा को रानी से प्यार हो गया। वाह वाह, ये व्यू देख लीजिए। अभी हम चलने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां हम जाएंगे एंड वहां से अलग न जा रहे होंगे शायद, तो चलते हैं वहां। ऊपर से यदि गाइस इसको हम देखे ना, यदि आसमान से कोई बंदा देखे, हेलीकॉप्टर से कोई बंदा देखे या फिर कोई ड्रोन से यदि हम शूट करें, तो ये इंडिया के मिनी मैप जैसा लगता है। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, झुंझुनू वाले कहीं से तो रास्ता निकाल ही लेंगे ना, तो फाइनली अभी रानी महल का रास्ता मिला है हमको आगे से बंदे, लेकिन अभी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से रानी महल का व्यू, तो चलो चलते हैं आगे। ये देखिए गाइज, छत से ये है रानी महल। एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो आप व्यू देख रहे हैं वो एक्चुअल में सही व्यू है, एकदम से सही व्यू, मतलब कि ओरिजिनल व्यू। और यहाँ से कोई बंदा यदि ऐसे खड़ा होके सूट वगैरह करे तो कैसा लगेगा भाई, लाजवाब, लाजवाब लगेगा। ये देखिए गाइज, ये है रानी महल और अंदर से वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके थ्रू। वर्क इन प्रोग्रेस है, ज़्यादा इलीगल हम नहीं करेंगे, तो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए संरचना कैसी है रानी महल की अंदर से। अरे ऊपर कौन है भाई? लो। तो गाइस आपने देखा पीछे कौन आया है, तो वहाँ से मतलब कोई था, तो मैंने आपको बता दिया कि हम इलीगली घुसे थे उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपने देखा, जितना हमने एक्सप्लोर किया वो ठीक था, अभी चलते हैं आगे का एक्सप्लोर। कला का बेहतरीन प्रदर्शन भाइयों, ये वाला कमेंट अगर इस वीडियो में नहीं आया ना भाई, सही में मेरे हिसाब से कोई वीडियो बचेगा नहीं फिर, कि ये वाला कमेंट मुझे देखने के लिए मिले करना यार, सही में ये वाला वीडियो सही में यहाँ से अच्छा है। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं किले के अंदर, रास्ता अलग हो सकता है लेकिन किले के अंदर जा रहे हैं। फाइनली गाइस रास्ता मिल गया है महल तक जाने का, तो अभी हम चलते हैं महल में। पता नहीं है मुझे भी रास्ता कहाँ है, लेकिन ढूंढ लेंगे, बाकी है यही। तीन लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, यहाँ विक्की सेलिब्रेट कर रहा है कि आखिरकार हम आएंगे। एक बात मैंने बोली भी थी आपसे कि किले के अंदर भी चलेंगे, रानी महल के अंदर भी चलेंगे, ऑलरेडी ये क्लोज है लेकिन हम आ चुके हैं। जी हाँ, आखिरकार हम आ ही गए किले के ऊपर, किला बंद था, आए हैं लेकिन शूट करने के लिए, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। Finally, we are on top.
उससे पहले हमको वापस भी जाना है। एक चीज खास बात है कि मैं कैमरा ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की खास बात एक ये है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। देख विकी तेरा नाम भी है यहाँ, ये यहाँ जाता है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, रिन्यू कर रही है इस किले को। जब भी हो जाएगा रिन्यू उसके बाद गाइस घूमने का अलग ही स्वैग होगा। ये महल है और ये शानदार व्यू है और ये यहाँ पे हमारी पावरी हो रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस गुफा के अंदर, गुफा है सही में यार, मुझे डर लग रहा है भाई। ओ भाई ये यहाँ का होल है एक्चुअल में, हम देखें तो ये होल है। आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, राजा का जो स्थान है वो ये दरखा है, आप एक बार आप देख सकते हो। जी जहाँ विक्की खड़ा है वहाँ राजा बैठता था और वहाँ अभी विक्की खड़ा है। इसके है नहीं कुकर्म है इसके, लेकिन ये खड़ा है बस वहाँ। पास में लिखा हुआ विक्की सुशीला, ये सबसे ज्यादा है भाई यहाँ पे, इनके अलग ही जलवे है, मतलब अलग ही नशे में है। नीचे देख सकते हो आप एक बार, नीचे भी देख सकते हैं अमित कुमार, पूजा, पता नहीं क्या क्या। गलत तो है पर है, गलत है तो क्या बताए। यहाँ से राजा, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ राजा बैठ के इधर से रानी को ताड़ता हो, नहीं हो सकता मुझे लगता भाई। तुझे क्या लगता है विकी? ए विकी वापस आ, जरूर ताड़ता होगा भाई, जरूर ताड़ता होगा। तो इधर जा रहे हैं अभी, खंबी का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने देखा था और आप लाइक भी करते हैं। तो दिनेश आगे जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है ऐसे ही कोई अपना भाई, और ये जो व्यू है भाई कतई जहर, कतई जहर, मतलब कतई जहर। और फिर मेरी नजर पड़ जाती है इसी रानी महल पे। चल फिर भाई चलते हैं, लेकिन चलते हैं, आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एक सेकंड भाई, यहाँ से दे सकते हो, ये टूटा हुआ है और यहाँ से बाहर का सीन आपको दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ, इधर हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं है। भाई बनाने वाले को पता होगा उसने ऐसा ऐसा बनाया है, सही बता। अगर मैं ये बनाता ना, मुझे खुद कंफ्यूज हो जाता, मैंने कब कहां और कैसे क्या बनाया था। ये शायद टॉयलेट होगा, ये कैसा होगा, हवाएं यहाँ तेज चल रही है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं। हाँ हाँ आ जा, इधर ही हूँ, ये रहा। अब फिर से हम यहाँ आ गए हैं, फिर से बाहर निकल आए हैं, एटलीस्ट निकले तो सही, एटलीस्ट निकले। तो विक्की आवाज लगा रहा, इधर आ जा भाई, इधर हूँ। यहाँ ही हम सबसे पहले जो ऊपर आए थे टॉप पे, ये था वो। इसके बाद गाइज किले के अंदर अभी एक और चीज भी है, वो ये है कि माता मोती महलों वाली जय माता दी इनका मंदिर है। ये मंदिर है गाइज यहाँ पे, अभी शायद इसका निर्माण अभी होगा, क्योंकि ये होश राजा ने तो करवाया नहीं है जय माता दी ऊपर जाने का रास्ता। तो ये अभी लेटेस्ट ये है कि इसके अंदर इसका निर्माण करवाया गया है, इसका मंदिर है यहाँ। किले का हमने भ्रमण
कर लिया है। जो खास बात थी मैंने आपको बता दी है, घोड़ों को बांधने का स्थान भी वो पीछे गया वही था, बाकी कुछ अक्षरा उड़ने नहीं। मजे की बात यह है कि किला बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, मतलब भोपाल सिंह ने जगह जो चूज की है ना भाई, सही में सोच समझ के चूज की कि ऐसी जगह पे। अब बताओ इतना बड़ा किला बचाना आसान खेल है क्या? सही में नहीं भाई। तो ये था किले का, अंदर मंदिर भी बनाया गया है, एक नई चीज और ऐड हुई है, मोती देवी माता का मंदिर भी बनाया गया है अंदर, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है अभी लेटेस्ट है वो, इसके अंदर पूजा वगैरह होती है अभी। ये विक्की आ रहा है, कर लिया भ्रमण भाई, आ जाओ। लिख भी आ चुका है और मैं और दिनेश तो भाई है ही फास्ट, हम पहले आ गए इनसे। ठीक है विकी, कोई परेशानी? परेशानी बताओ, ये इतना लंबा चौड़ा आदमी कहाँ से भ्रमण करे इतने बड़े किले का? चलो फिर आ जाओ। सो फाइनली गाइज, किले का भ्रमण हमने कर लिया है, परमिशन हो चाहे ना हो, मैंने आपको बताया था कि कर लेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वाले व्लॉग पे आप कमेंट करना वो करो, और कैसा लगा सही में अपना ओरिजिनल रिव्यू देना प्लीज एंड प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। देखने में बहुत मजा आएगा, आप आके देखो एक बार। बिल्कुल देखने में काफी मजा आएगा, जो कमी थी खूबी थी वो मैंने आपको सब बता दी, क्या कमी है क्या खूबी है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने अपनी तरफ से, कुछ नहीं छोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया कि ये नहीं है मेरे शहर का तो ऐसे नहीं है। तो बाकी आप आइए, घूमने के लिए अच्छी जगह है, और इस वाले मौसम में आएंगे तो काफी अच्छा रहेगा और शानदार व्यू था। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। काफी दूर चलने के बाद गाड़ी को भी लगी भूख प्यास, तो यहाँ पे हम आए हैं इंडियन ऑयल पे, जिसको चाय नाश्ता इसको करवा रहे हैं, क्योंकि इसको भी चाहिए ना एनर्जी, सभी को चाहिए तो इसको भी चाहिए। अब इसको चाय पानी पिला के हम निकलते हैं फिर यहाँ से। अरविंद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई जा रहे हैं बता दूंगा, चलो तो सही। अरे तो यार कोई ना बता दे, क्या दिक्कत है, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है यार? सस्पेंस जरूरी है मेरी जान, अरविंद की बारात में जा रहे हैं, हमें सारा जाना मिल गया, टेंशन क्यों लेते हैं, बाहर गाड़ी से जान दे, बाहर जा ले। वाह वाह, किसी पापा की परी हाँ करे तब चले ना बारात में है। सही है यार। लॉलीपॉप ले लिए यार अरविंद, ये सही नहीं है। इतना भी व्लॉग शूट कर लो, मुझे सबसे जो प्यारा सीन लगता है वो ये लगता है कि यहाँ को ड्राइवर की सीट पे बैठ के और ये जो रियर व्यू है ये शूट करना सबसे ज्यादा।